क्या कराया थोड़ा कराया मैंने सुना दियो मैंने मेरा नाम आशीष गारू है। मैंने ये 1994 में ये सिलिक रीलिंग यूनिट एस्टेब्लिश किया था। मैं खुद कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। बेसिकली जब हमने इंजीनियरिंग की उसके बाद मैंने देखा कि कुछ अपना काम किया जाए। अपने काम में ये है कि आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हो, साथ में आप लोगों को रोजगार दे सकते हो। इस काम में लेडीज़ काफ़ी लगती है, लेडीज़ का काफ़ी योगदान है। घर बैठ के वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैंने अपने हाथों से कम 300 से 400 लोगों को रोज़गार दिया है। और आजकल की स्कीम जो है, मोदी जी ने जो स्किल्ड डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम्स रखे, उसमें आप अपना यूनिट अगर लगाएंगे, इससे आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। क्योंकि आजकल नौकरी के स्कोप्स उतने नहीं हैं, छोटे से यूनिट से ये उतने महंगे नहीं है, इसमें आपका खर्चा भी कम होता है। और गवर्नमेंट की काफ़ी सपोर्ट थी, स्टार्ट में सब्सिडी देती थी वो, अभी भी गवर्नमेंट देती है। जब हमने स्टार्ट किया हमें बैंक से भी वर्किंग कैपिटल लोन मिला, गवर्नमेंट से भी हमें शेड और मशीनरी पे सब्सिडी मिली, और जो हम सिल्क यार्न बनाते थे सिर्फ धागा रेशम का, उस पर भी सब्सिडी थी। तो आस्ता आस्ता 3-4 साल हमें सेट होने में लगे। आज की तारीख में मैं अपने 3 यूनिट्स चला रहा हूँ और अच्छे से हम अपने पाँव पे खड़े हैं और लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं, जिसमें गांव की लड़कियाँ, दूर दराज से लेडीज़ जो घर बैठ के अपना काम कर सकते हैं। मेरा नाम है फातिमा बीवी, मैं यहाँ धागा लगाती हूँ। मुझे यहाँ रहने में बहुत अच्छा लगता है, काम भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ करवाते हैं और काम भी बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पे। और ये बात मुझे जान के खुशी है कि यहाँ मेरे घर से ज़्यादा ये काम करने में घर के पास ही है, इसलिए मुझे ये काम करने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हम काम काफ़ी लोग करते हैं, कम से कम 7-8 लोग काम करते हैं और यहाँ मिलजुल के सभी काम करते हैं जो करते हैं, और ये काम करने में हमें बहुत खुशी मिलती है।